अगर झारखंड की बात करें तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही मुख्यमंत्री चंपई सोरेन योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए जुट गए हैं। आज पहले मुख्य सचिव, गृह सचिव, एसपीडीसी के साथ विधि व्यवस्था की समीक्षा करेंगे, उसके बाद अलग अलग विभागों की भी समीक्षा करेंगे। तो सीएम चंपई सोरेन खुद मुख्य सचिव, गृह सचिव और एसपी के कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। महत्वपूर्ण दिन इसके माना जा रहा है कि अधिकारियों के साथ अलग अलग विभागों की भी समीक्षा करेंगे, तो एक तरह से माना जा सकता है कि रिपोर्ट कार्ड पेश होगा मुख्यमंत्री के सामने। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में दिख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। इससे पहले हम जानते हैं कि पुलिस के आला अधिकारियों की मीटिंग चल रही थी और अब सीएम चंपई सोरेन के साथ अधिकारियों की समीक्षा बैठक है, उसमें मुख्य सचिव हो, गृह सचिव हो और एसपी के कानून व्यवस्था की समीक्षा होगी और देखा जाएगा कि किन किन चीजों में मुख्यमंत्री अलग अलग विभागों के अलग अलग अफसरान को किन चीजों में कहते हैं कि आप ठीक रहे, आपका कामकाज अच्छा रहा। तो यानी एक तरह से रिपोर्ट कार्ड जैसी चीज होगी और मंथन होगा कि आने वाले वक्त में जिस तरह के झारखंड के अभी हालात रहे, चुनाव भी तो चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से जरूर गुजर गया लेकिन उस दौरान जो हादसे हुए, जो सड़क पर जो क्राइम्स हुए उनको लेकर के जबरदस्त समीक्षा बैठक हुई है। तो मुख्य सचिव, गृह सचिव और एसपी से कानून व्यवस्था की समीक्षा की जाएगी, वहीं अधिकारियों के साथ अलग अलग विभागों की भी समीक्षा होगी। इन समीक्षाओं के दौरान लोकसभा चुनाव खत्म होते ही एक्शन में सीएम चंपई सोरेन दिख रहे हैं। इसी दौरान हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप बताइए, महत्वपूर्ण बैठक, समीक्षा करेंगे, अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे और एक तरह से माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट कार्ड लेंगे, तो क्या कहेंगे? हाँ, मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की आज समीक्षा बैठक है और दो दिनों तक ये समीक्षा बैठक रखी गई है। आज और कल मुख्यमंत्री कतारबद्ध तरीके से जो विभिन्न विभाग हैं उनकी समीक्षा करेंगे और आज 2:30 बजे से जो समीक्षा बैठक है वह प्रोजेक्ट भवन में रखा गया है। हालांकि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सबसे पहले विधि व्यवस्था की भी समीक्षा करेंगे क्योंकि यदि पिछले दिनों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रांची सहित झारखंड के जो विभिन्न जिले हैं वहां पे थोड़ा अपराध का जो ग्राफ है थोड़ा बढ़ता नजर आया है। हालांकि इसको लेके कल डीजीपी ने खुद बैठक की थी और आज मुख्यमंत्री भी इसको लेके समीक्षा कर सकते हैं और उसके बाद जो सरकार की विभिन्न जो विभाग हैं उनके द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं उनकी जानकारी आज मुख्यमंत्री खुद लेंगे समीक्षा बैठक में। क्योंकि पिछले दिनों की बात करें तो लोकसभा चुनाव थी और आचार संहिता लगा हुआ था जिसके कारण जो बैठकें थी वह नहीं हो पा रही थी। यही वजह है कि जैसे ही इस पर आचार संहिता खत्म हुई है वैसे जो सीएम है एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं और आज से दो दिनों तक जो मैराथन समीक्षा बैठक है उसका आयोजन होना है और इसमें जो विभिन्न विभाग सरकार के द्वारा चल रही है और विभागों के द्वारा जो विभिन्न योजना आम लोगों के लिए चलाई जा रही है उन योजनाओं की क्या स्थिति है या किसी में देर सवेर हो रही है तो उसको कैसे दुरुस्त किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर आज मुख्यमंत्री खुद समीक्षा करेंगे। जी तो अगर संदीप ये माना जाए कि चुनाव के बाद सबसे महत्वपूर्ण बैठक है झारखंड में जो खुद मुख्यमंत्री जिसको जिसकी समीक्षा बैठक करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि चुनाव की वजह से अभी जो चीजों में जिन चीजों में ध्यान नहीं दिया गया था या जिन चीजों पर अभी जितनी बातें होनी चाहिए थी, समीक्षा होनी चाहिए थी, नहीं हो पाई थी, क्या ये उसी के लिए किया जा रहा है? नहीं कह सकते हैं जी, आचार संहिता लगने के बाद जो विकास योजना होती है कहीं ना कहीं वह धीमी हो जाती है क्योंकि विकास संबंधित जो फंड होते हैं या फिर कई तरह की जो समस्या है वो उत्पन्न होती है जिसके बाद कहीं ना कहीं अब जो आचार संहिता है वह लग गया, हट गया है और हटने के बाद अब जो विकास कार्य है उसको कैसे गति प्रदान की जाए इसको लेके आज मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। हालांकि समीक्षा बैठक में जो विभाग के जो सचिव हैं वो उपस्थित होंगे और उसके अलावा इससे संबंधित विभाग के जो अन्य पदाधिकारी हैं वे भी इस समीक्षा बैठक में उपस्थित होंगे और कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है विभिन्न विभागों का जो योजना विभिन्न विभागों के द्वारा संचालित है और जिसका लाभ यहाँ के जो आम लोग हैं उनको मिलना है तो ऐसे में उन लोगों तक लाभ पहुंच रहे हैं या फिर कोई ऐसी योजना है जिसको आम लोगों तक पहुंचाने में विलंब हो रहा है तो उनको कैसे गति प्रदान किया जाए, इन सभी चीजों को लेकर मुख्यमंत्री आज इस बैठक में संभवतः जो अधिकारी हैं उनको कई दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। हालांकि सबसे पहले उन विभागों में जो कार्य योजना चल रही है उनकी जानकारी मुख्यमंत्री आज इस समीक्षा बैठक में लेंगे और एक कतारबद्ध तरीके से कह सकते हैं एक एक विभाग
वाइज कल तक या जो समीक्षा बैठक है वह होना है, जिसमें मुख्यमंत्री खुद इस सारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे। जी तो आज मुख्य सचिव, गृह सचिव और एसपी के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। तो देखने वाली बात होगी कि किन चीजों पर चर्चा होती है, किन बातों पर बात होती है और उसके बाद क्या एक्शन लिया जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप, आपका शुक्रिया।